नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना लेकर आया हूं। आश्रम में बैठे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से बात कर रहे थे। इतने में एक महिला रोती हुई बिलखती हुई अपने बच्चे को गोद में उठाकर महाराज जी के पास पहुंची। भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। उन्होंने जब नजर डाली तो बच्चा मृत था। बच्चे को मरा हुआ देखकर भगवान ने पूछा, बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही है? स्त्री इतनी विह्वल थी, किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए बोली, भगवान सांप ने मेरे बेटे को काट लिया है, अब आप ही हैं जो इसे जीवित कर सकते हैं। आपने बहुत से चमत्कार किए हैं, बहुतों को जीवन दान दिया है, आप इसे किसी भी तरह से जीवित कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, प्रकृति के नियमों में दखल देना अपना काम नहीं है, परंतु स्त्री किसी भी तरह से समझने के लिए तैयार नहीं थी। भगवान ने सोचा, ये अब नहीं समझेगी, बहुत दुखी है, मां का हृदय है, शायद समझाना मुश्किल है। इसीलिए भगवान ने कहा, ठीक है, जा और हथेली पर जितनी सरसों आ सके उतनी लेकर आ, मैं कुछ करता हूं। मां का हृदय प्रफुल्लित हो उठा, सोची अब मेरा बेटा जी उठेगा, भगवान कुछ करेंगे। इतने में महाराज ने रोकते हुए कहा, लेकिन सरसों उसी घर से होनी चाहिए जिस घर में पिछले एक वर्ष में कोई मृत्यु न हुई हो। स्त्री ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं भगवान, मैं अभी जाती हूं और पूरे गांव में एक हथेली पर जितनी सरसों आए ये तो मेरे बेटे के लिए कोई भी दे देगा। दौड़ी पड़ोस के घर में गई, वहां कहा कि मेरे बेटे को जीवन दान मिलने वाला है, भगवान मेरे बेटे को जीवित कर देंगे, सिर्फ हथेली पर जितनी सरसों आती है उतनी दे दीजिए। जैसे ही व्यक्ति घर के अंदर सरसों लेने के लिए मुड़ा, स्त्री ने रोकते हुए कहा, लेकिन आपके घर में यदि कोई मृत्यु हुई हो तो आपकी सरसों मेरे किसी काम की नहीं। इस पर व्यक्ति दुखी होता हुआ बोला, पिछले महीने ही मैंने अपने पिताजी का श्राद्ध किया है। स्त्री दुखी हुई दूसरे घर पे पहुंची, हर जगह दर बदर जाते हुए उसे यही देखने को मिला कि कोई भी घर इस मृत्यु के चंगुल से छूट नहीं पाया है। आखिरकार थक कर हार कर वापस भगवान के आश्रम पहुंची और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। अब जो बात भगवान उसे समझाना चाहते थे वो खुद ही समझ चुकी थी। इस तरह से भगवान ने कईयों को असीम दुखों से उबारा है और उन्हें जीवन जीने की नई राह दिखाई है। आइए भगवान बुद्ध की दिखाई हुई राह पर चलकर हम अपने भी जीवन को सत्य से परिपूर्ण कर लें। धन्यवाद।